First, we have to go to the download that one. स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम आपसे परमिशन मांगेगा तो परमिशन आपको अलाउ करना है इस पर भी आपको क्लोज करते हैं और जहां पर आपने एग्जाम सर्वर को इंस्टॉल किया होगा तो मेरे केस में ये सी ड्राइव पे इंस्टॉल है तो आपके पास इस तरह फोल्डर वहां पे बन जाएगा एग्जाम के नाम से तो फोल्डर के अंदर आपके पास एक और फोल्डर होगा htdocs तो htdocs में आप जाए ये हम साइट पे अवेलेबल रख देते हैं और अभी हम लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस का डाउनलोड कर तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल टाइप करें लेटेस्ट वर्जन तो फर्स्ट जो वर्डप्रेस.org जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट उस पे क्लिक करें तो उसमें से आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा तो ये जो है 6.1 अब तक के लेटेस्ट वर्जन है मेरी क्या आपके केस में हायर हो और यहाँ पे हमारा जो है डाउनलोड हो रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन में ही डाउनलोड हो रहा है और वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन हमारे पास डाउनलोड हो चुका है या फिर हम इस पर रखे इसको कट कर देते हैं साथ कट करके यहाँ से जो हमारा htdocs का फोल्डर एग्जाम सर्वर का दूसरा है उसको पेस्ट कर दिया मेरे पास आने के लिए ओल्ड वर्जन इधर मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ ये लेटेस्ट वर्जन है अभी इसको हमें इंस्टॉल करना है सिर्फ आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें तो आपके पास वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर हो जाएगा वो क्रिएट हो जाएगा उसको आप अपने थीम्स से रिलेटेड आप उसको रिनेम कर सकते हैं यहाँ पे जो है इसको नाम देकर माई फर्स्ट वर्डप्रेस इसका नाम हो गया और अभी मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट लोकल होस्ट माइटी मैं अपने क्रिएट करना है वर्डप्रेस के लिए तो डेटाबेस क्रिएट करना क्रिएट करके डेटाबेस पे क्या करूँ यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट करना उसका नाम होगा उसको हमारे पास भी सपोर्ट करे पासवर्ड प्लेस हमारे पास पासवर्ड प्लेस नाम होगा मैं जब इसको लेता हूँ अभी हम जो भी
लोड हो जाएगा आपके पास इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा और कंटिन्यू चेक कंटिन्यू करें एंड रिव्यू हो जाएगी आप सेलेक्ट करने से लेकर इस बार नेक्स्ट गो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है उसमें जो जो डेटाबेस है हमने यहाँ पे दिया था तो हमारे केस में जो है फर्स्ट वर्डप्रेस हमारा डेटाबेस था पासवर्ड पे उसके बाद यूजर को अपने पासवर्ड भी छोड़ देना है यूजर ने अपने टाइप करना पासवर्ड को भी छोड़ देना है अगर आपके पास कोई पासवर्ड है। अगर आप कोई लाइव सर्वर पे काम करते हो तो अगर आपको जो है पासवर्ड यूजर नेम और वो आपको उसमें डिपेंड हो सकता है एक्सटेंशन भी आप चेंज कर सकते हैं टेबल का लेकिन हम WP अंडरस्कोर रख रहे हैं सबमिट। अभी जो रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं अभी जो आपका जो भी साइड है आपने उसका नेम लेना सपोज माई टेस्टिंग वाले और कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं आप यूजर भी दे सकते हैं हमारे केस में एडमिन ले रहा हूँ और पासवर्ड जो है आप कोई भी अपना दे सकते हैं मैं सपोज करिए एडमिन वो भी सेम रखा है। आप अपना ईमेल भी यहाँ पे दे सकते हैं मेरे केस में जो ये वाला मेरा ईमेल है वीक पासवर्ड से आप चला सकते हैं लेकिन रिकमेंड करते हैं आप स्ट्रांग पासवर्ड दे दें स्ट्रांग वर्डप्रेस में क्लिक किया अभी जो है मेरा क्या पासवर्ड सेव तो मैं सेव नहीं करना चाहता लॉग इन पे मैंने क्लिक किया अभी मैं लॉग इन करना चाहूँगा यहाँ पे हमने एडमिन दिया था तो यहाँ पे जो एडमिन होगा आपका सक्सेसफुली जो है वर्डप्रेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और यूजिंग xampp सर्वर आपका जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल भी हो चुका है। डिफॉल्ट जो भी थिंग्स आपके पास इस तरह डिस्प्ले होगा तो आपके पास जो भी थी डिफॉल का इंस्टॉल है वो भी आपके पास इस तरह डिस्प्ले होगा। सो गाइज इस वीडियो में आपने ये सीखे कि आप किस तरह जो है xampp सर्वर के थ्रू वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।